हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलिस क्रिएशन। एक कप उड़द दाल लेंगे, उसे रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट। भून लेंगे उसे हल्का, सुनहरा होने तक हल्का भून लेंगे उसे। अब इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे और उसको थोड़ा भूनने के बाद ठंडा होने रख देंगे। एक चौथाई कप 1/4 कप पोहा लिया है इधर, इसे भी थोड़ा रोस्ट करेंगे और ठंडा होने रख देंगे। इस तरह से ये ठंडा हो चुका है। अब एक जार में दाल, रोस्टेड दाल जो भुनी थी हमने और रोस्टेड पोहा, वो ऐड करेंगे। और 3 कप रवा लिया है इधर मैंने, आप राइस रवा भी यूज कर सकते हो। अब इसमें 1/4 कप बेसन ग्राम फ्लोर डालेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक। अब इसे पीस लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा इंस्टेंट डोसा बैटर रेडी हो गया है। पाउडर एकदम इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में या ग्लास जार में आप भर के रख सकते हैं। डोसा बनाने के लिए इधर मैंने 1/2 कप पाउडर लिया है जो भी हमने बनाया, और इसमें अभी 2 से 2.5 टेबल स्पून दही यूज़ कर रही हूँ मैं जो गाढ़ा है, और 1/2 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से भी उसे डाल सकते हैं, अगर दही पतला हो तो उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्प्स ना रहे। अब इधर मैं 1/2 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट इनो पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए हमारा बैटर रेडी है, चलिए अब डोसा बनाते हैं। विदर ऑयल या घी जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए डोसा पक चुका है। हमारा डोसा तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को मोर रेसिपीज़ के लिए। बाय बाय।